अर्थ है वर्ण संकर। तो जो न्यायिक प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, ये वर्ण संकर न्यायिक प्रणाली की बात कर रहे हैं। और हाइब्रिड कोर्ट को इसलिए ये दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि इसमें ऑप्शन है, जो एडवोकेट्स हैं उनके पास एक चॉइस है, दे कैन आइदर अपियर पर्सनली और फिजिकली बिफोर द कोर्ट और थ्रू द ऑनलाइन मोड, वर्चुअल मोड से भी अपियर होने की इसमें उनको एक विकल्प दिया गया है। लेकिन जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, उनके लिए यह है कि वो न्यायालय में फिजिकल हियरिंग करेंगे। तो जहां तक हाइब्रिड सिस्टम की बात है, जैसा दीपक जी ने बताया कि ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अपना इंटरप्शन हो रहा है, ये बेसिक प्रॉब्लम है जो सभी एडवोकेट्स फील कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, अपनी बात प्रॉपरली नहीं रख पाते हैं। 2018 में सर्वे किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैकलॉग ऑफ केसेस के संबंध में, और ये पाया कि लगभग 3 करोड़ मामले भारतीय न्यायालयों में लंबित हैं। इनमें से जो है लगभग 42,000 मामले जो हैं, ये केवल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सॉरी 60,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 42 लाख मामले विभिन्न हाई कोर्टों में लंबित है, और लगभग 2,70,00,000 मामले जो हैं ये सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट के माध्यम से, हाइब्रिड सिस्टम के माध्यम से बैकलॉग ऑफ केसेस को या बर्डन ऑफ केसेस को दूर करने की बात है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो न्यायपालिका है ये विश्व की सर्वोच्चतम न्याय प्रणालियों में से एक है। लेकिन इसके ऊपर जो एक आरोप लगा है, वो आरोप लगा है बैकलॉग ऑफ केसेस, जो कहा जाता है डिले इन जस्टिस इज डिनायल ऑफ जस्टिस। तो पहले हम देखें कि ये जो मामले इतने अधिक बड़े हैं, क्योंकि जब हम बैकलॉग ऑफ केसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो नए केस संस्थापित हो रहे हैं उनकी उनकी तुलना में मामले जो है कम निराकृत हो रहे हैं। मोर मैटर्स आर इंस्टीट्यूटेड एंड लेस मैटर्स आर डिस्पोज्ड, ये स्थिति बनती है तो बैकलॉग ऑफ केसेस को कहा जाएगा। तो सामान्यतः कहा जा रहा है कि जब 5 केस संस्थापित होते हैं तो 2 केस निराकृत होते हैं। इस तरह से 30% की जो बैकलॉग ऑफ केसेस है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लिटिगेशन में जो बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है लिटिगेशन की, इसके यदि अपन कारण देखें तो इसका सबसे पहला कारण ये निकल के आता है कि लोगों को अधिकारों की अधिक जानकारी हो गई है और वो टॉलरेट नहीं करते हर मैटर में कोर्ट आ जाते हैं। सेकंड, जो आरटीआई है और पीआईएल है, इनके कंसेप्ट ने भी लिटिगेशन को बहुत बढ़ा दिया है। इसके बाद से एक रीजन ये आता है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, दे आर टू बी मोर इफिशियंट एंड अलर्ट। ऑफिसर्स के पार्ट में भी थोड़ी लेजीनेस होने की वजह से मामले जो है पेंडिंग चले आते हैं। टाइम बाउंड ट्रायल हमने फिक्स नहीं की है, माध्यम से डिस्पोजल की बात, ऐसा अमेंडमेंट किया गया है ऑनरेबल जेएस वर्मा कमिटी के द्वारा सीआरपीसी में कि 2 महीने में इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा एंड विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेमवर्क इसका डिस्पोजल होगा। सभी मामलों के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है। इसके बाद से शॉर्टेज ऑफ जजेस जो है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए है, क्योंकि जो बैकलॉग ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं इसका एक रीजन जो है वो जजेस की जो कमी है वो भी। इसके बाद से देखते हैं बहुत से लिटिगेशन में जो गवर्नमेंट का कॉन्डक्ट है वो बड़ा इररिस्पॉन्सिव है। गवर्नमेंट के लेवल पे ही यदि बहुत से मामले निपटा दिए जाएं तो जो कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। कितने ही गलत ट्रांसफर होते हैं जिनकी पिटिशंस लगती है और वो पिटिशन अलाउ होती है अल्टीमेटली, उसका भी अपोज करना, तो इससे जो गवर्नमेंट का जो कॉन्डक्ट है इट शुड बी इम्प्रूव्ड। इसके बाद से हम देखते हैं कि यदि हम देखें कि हाइब्रिड सिस्टम की कितनी वायबिलिटी है, किस सीमा तक हम इस पर भरोसा कर सकते हैं, तो जैसा कि अभी विद्वान पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे सिस्टम में जो ट्रायल बेस्ड सिस्टम है, विटनेस बेस्ड सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है ये साक्षी आधारित व्यवस्था है, और जो सेक्शन 273 है या ऑर्डर सीआरपीसी का या ऑर्डर 18 है, वो कहीं भी ये बात नहीं करते हैं कि विटनेस कैन बी वर्चुअली एग्जामिन। हर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है वो उसके प्रेजेंस में कोर्ट में होगा।
तो इस जो जो हमारा प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क है, ये फ्रेमवर्क वर्चुअल हियरिंग या हाइब्रिड हियरिंग में सुटेबल नहीं है। इसके बाद से हम देखते हैं कि यदि हम चाहें कि इस स्थिति से, जो बैकलॉग ऑफ केसेस की स्थिति है, इस स्थिति से यदि हम निपटना भी चाहें, तो सबसे पहले हमको जरूरी होगा कि हम लोक अदालत को स्ट्रेस करें। जो एडीआर मैकेनिज्म है, एडीआर मैकेनिज्म से मतलब जो 89 सीआरपीसी है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 है, इनके प्रावधानों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। लेकिन फिर वेदर ये जो मामले हैं, लोक अदालत है, कंसिलिएशन है, मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है, क्या ये वर्चुअली पॉसिबल है? हाइब्रिड हियरिंग के माध्यम से ये इनकी पॉसिबिलिटी बहुत लेस है। ये पॉसिबल नहीं कि पूरी तरह से लोक अदालत जो है कंडक्ट हो सके हाइब्रिड लेवल पर। इसके बाद से आवश्यक ये है कि जो न्यायालयों के निर्णय हैं, इनको एक स्टेज पर फाइनलिटी दी जाए। फाइनलिटी इस दिया क्योंकि लिटिगेशन के इंक्रीज होने का वजह एक ये भी है कि देर इज नो फाइनलिटी टू द जुडिशियल ऑर्डर्स। इन ऑर्डर्स को फाइनलिटी देना चाहिए जिससे कि आगे का लिटिगेशन रुके। सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया है प्ली बार्गेन का। अब प्ली बार्गेनिंग भी वर्चुअली या हाइब्रिड सिस्टम में पॉसिबल नहीं। दिस इज ए कंबाइंड एप्लीकेशन बाय द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम। 7 साल से कम का अपराध है तो इस पर भी प्रावधान पर स्ट्रेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो वर्चुअल जो हियरिंग है उससे थोड़ा सा पॉसिबिलिटी उसकी कम लगती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, इनको भी यदि पूरी तरह से हाइब्रिड सिस्टम में लाया जाए और इनकी संख्या बढ़ाया जाए, तो जो बैकलॉग ऑफ केसेस है, ये लगता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी। तो मेरा कहना यह है कि इस हाइब्रिड सिस्टम में सबसे पहले, जैसा कि नित्यानंद जी ने बताया, कि ग्रास रूट लेवल से आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्टअप करना पड़ेगा। जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा, उसके बाद से हमें लगता है कि यहाँ भी थोड़ा सा वही नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है जो अवस्थी सर जो आप बोल रहे थे। हाँ जी, उपस्थित सभी अतिथिगण, वक्तागण, मेरे खासकर दोनों संयोजक नित्यानंद मिश्र और शिवानंद जी, वास्तव में ये हेलो आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन अनुभाष श्रीवास्तव सर वापस जुड़ चुके हैं। हमें लगता है कि उनको सुन लिया जाए। जी अवश्य सर। जी 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 अनुभाष सर, प्लीज। हाँ, आपका बीच में डिस्टर्ब हो गया था, डिस्कनेक्ट। जी 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 तो मैं I think it's still the same problem persists. So, तो हमें लगता है कि फिर वापस आएंगे। हाँ, तो सर को वापस सुनेंगे और वो अपनी बात पूरी करेंगे। तब तक हाँ अवस्थी सर, हाँ तब तक अवस्थी सर से निवेदन है कि सर आप प्लीज प्रोसीड कर अपने विचार रखें। देखिए, सबसे बड़ा विषय जो आज आप लोगों ने रेज किया है, आज की जिस तरह की पैंडेमिक की सिचुएशन है, बड़ा रेलेवेंट है और इस पे बात होनी भी चाहिए। अब ये अपनी जगह बात है कि ये विषय कई जगह आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो हमारे संयोजकों को ये क्यों जरूरत पड़ी।